हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू बीजीएमआई के गेम प्ले लेके। तो गाइस, इस गेम प्ले में ऐसा होता है कि जो लॉबी थी वो पूरी लगी थी रैंक पुशिंग लॉबी, और इसमें आया था वो भी पूरी की पूरी एक स्क्वायर कॉन्कर प्लेयर की। इसमें बहुत किल्स कम होंगी क्योंकि रैंक पुशिंग लॉबी थी। बस आप गेम प्ले देखिए और इन्जॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पे मिलता उतर रहा था, तो मैं एक छत पे जा रहा था, तभी मुझे छत पे एक M4 दिख गई। तो मैंने सोचा सीधा छत पे लैंड कर देते, लेकिन पता नहीं क्या ग्लिच हुआ जिससे मैं नीचे गिर गया। तो मैंने सोचा नीचे की लूट छोड़ देते, मुझे ऊपर M4 दिख गई, तो सीधा M4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने M4 खाई, मुझे कार का साउंड हुआ, तभी एक यूजी उठ गई और गलती से मैंने एक M16 उठाली। तभी मुझे पता चला कि मैंने M16 उठाली, तो मैंने M4 उठाई, तभी कार आ भी चुकी थी। लेकिन मुझे क्या पता मेरी गन रिलोड पे थी, तो मैंने यूजी पकड़ी और उसको स्प्रे किया, लेकिन इस स्प्रे से कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा अब ये बंदा तो भग गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है इसके पीछे जाने का। तभी मैं अपने घर पे जाने वाला, तब मुझे एक साउंड आया, तो मैं सीधा विंडो पे गया। विंडो से मैंने एक बंदा देखा और इसको नॉक कर, जैसे ही मैं उस बंदे को नॉक करता हूँ, बगल वाले घर से मुझे साउंड आता है। तो गाइस, अगर यहाँ पे आपको रश करना और आपको पता नहीं बंदा कहाँ कैंप कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी इस डोर पे ऊपर चढ़ जाना है, और वहाँ से आपको जंप करके देखना है कि बंदा कहाँ, जैसे कि देखिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। आपको जंप करना है, और मुझे बंदा दिख चुका है कि वो गेट के पीछे टीपी भी ले रहा है। तो गाइस, आपको या आपके पास थ्रोबल्स हो तो आप थ्रोबल्स फेंक सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। जैसे ये बंदा थ्रोबल्स की पिन सुनता है, वैसे ही नीचे कूद जाता है। उसका ही फायदा उठा कि मैं सीधा छत पर चल जाता हूँ, क्योंकि मैं हाइट का एडवांटेज लेना चाहता था। वैसे ही मुझे साउंड आता है कि मेरे पे ये पुश कर रहा है, तभी मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो मुझे साउंड हुआ है कि नहीं कर रहा पुश, तो मैं दोबारा नहीं चाहता। तभी मेरे को वो साउंड हुआ है कि ये दोबारा पुश कर रहा है, तो मेरे को बंदा दिखा और मैंने फायर करा। और ये अगर गाइस ये 5-10 HP वाला किला आपको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देगा। तो मिलता मैं बस यही दो बंदे आए थे, तभी मुझे सामने कार दिखी और मैं कार लेने आ गया। मैंने सोचा चले और बंदे ढूंढते हैं। ऐसे मैं कार लेके जा ही रहा था पोचिंग की तरफ से, ऐसे मुझे सामने एक बंदा स्पॉट हुआ। मैंने सोचा कि चलिए इस बंदे को सीधा कार से कुचल के मारते हैं, लेकिन मेरी कार जो थी वो हवा में उड़ गई, और जिससे मेरी आधी से ज़्यादा हेल्थ चली गई। लेकिन इस बंदे को मैंने तब भी मार दिया। अगर गाइस आपको ये भी किल अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस बंदे को किल करने के बाद मैंने स्मोक करा, ताकि मुझे कहीं और से पढ़ ना सके, इसलिए गाइस। तो मैं और बंदा ढूंढ रहा, तभी मुझे सामने एक और बंदा दिखा, मैंने उतरा और मैंने इसको भी मार दिया। गाइस थोड़ा नूब सा बंदा था, इसलिए मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाया। फिर मैं दोबारा बंदे की तलाश में जा रहा था, तभी मुझे शेक की तरफ से साउंड हुआ है, तो मैं सीधा राइट में घुमा लेता हूँ। तभी मुझे सामने बंदा स्पॉट भी हो चुका था, तो मैंने इस बंदे कार से कुचल के मार दिया। गाइस ये मुझे उसी का टीममेट लग रहा है जिसको मैंने पहले मारा था। ऐसे मैं कार घुमा रहा था, तभी मेरे कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मैंने सामने घरों से कार उठा ली। तभी मुझे एक मेंशन की तरफ से कार दिखी, मुझे लगा कि यहाँ पे एक ही बंदा है। गाइस मुझे लगा कि ये बंदा ऑफलाइन खड़ा हुआ है, इसलिए मैं सोचा इसको थोड़ा ट्रोल करके मारते हैं। लेकिन मैंने देखा तो मैंने फायर तो तभी ये भी डीपी का फायर देने लगा, और गाइस डीपी का फायर रेट तो डैमेज M4 से ज़्यादा होता है, इसलिए मैं मर गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।